हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो शाम से ही मैंने अपना दूसरा व्लॉग शुरू कर लिया था और मैं यहाँ पे कर रही हूँ शाम की पूजा। और शाम को मैं पढ़ती हूँ दुर्गा चालीसा और सुबह को मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सुबह पढ़ती हूँ सप्तशती की जो किताब होती है वो। और यहाँ पे मेरा बेटा पोयम देख रहा था तो उसे कुछ ना कुछ जो भी दिख जाता है तो मुझसे आके बोल रहा था मुझे ये ला के देना, मुझे वो ला के देना। और यहाँ पे चल रही है मेरे दोनों बच्चों की मस्ती, तो वो पता नहीं वीडियो वगैरह कुछ बना रहे हैं अपनी दोनों की। तो सबके लिए मैंने बनाई थी यहाँ पे दाल और रोटी, और अपने लिए मैं बना रही हूँ व्रत के समा के चावल। आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं देखिए इस तरीके से बनाती हूँ। मैंने 3 से 4 चम्मच डाल दिया है इसमें देसी घी, और अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही डालूंगी इसमें जीरा, क्योंकि सुबह आलू खा लिए थे इसलिए मेरा बिल्कुल भी कूटू की पकौड़ी खाने का मन नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए हैं मैंने अब इसमें, और मैंने एक छोटा सा आलू काट लिया था छोटा छोटा, क्योंकि बेटे को भी अच्छे लगते हैं तो उसको आलू डले हुए अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसी की वजह से आलू डाले हैं, नहीं तो मैं आलू नहीं डालती, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने खा लिए थे। और ये देखिए मैंने समा के चावलों को अच्छे से धो लिया था, वो भी मैंने डाल दिए हैं। और आपको अंदाजे से डालना है क्योंकि ये वाले चावल बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। और जैसे आपने एक कटोरी चावल लिए हैं तो कम से कम भी आपको 2 से 2.5 कटोरी पानी ज़रूर डालना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक, व्रत वाला जो होता है वो स्वाद अनुसार, बहुत थोड़ी सी ही लाल मिर्च, और बहुत थोड़ी सी आधी से कम चम्मच काली मिर्च। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब मैं डालूँगी इसमें पानी। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, बस अब मैं इसमें 2 सीटी लगा दूंगी और मेरे चावल रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, व्रत वाले चावल जो समा के होते हैं वो मैंने छोंक लिए हैं अपने लिए, और सबके लिए बनाई थी मैंने इस टाइम दाल, और सुबह थी आलू बैंगन की सब्जी, और पूजा भी मैंने कर ली है। तो इतने मेरे चावल बनेंगे, इतने मैं बच्चों के लिए, इनके लिए, सबके लिए काट देती हूँ सलाद। पापा को भी खाना दे दिया है, मेरी बेटी दे आई थी, और अब मैं यहाँ बेटे को खिला रही हूँ। और बेटी का और बेटे का मैं एक ही प्लेट में ले आई थी, अभी वो हैंड वॉश करने गई हुई है, और ये देखिए कितनी मस्ती से खा रहा है, फिर मैं खाऊंगी अपना तसल्ली से। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, मेरे समा के चावल रेडी हो चुके हैं, और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में भी सच में बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं। मैं बीच बीच में इन्हें बनाती रहती हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, तो दोनों चीज़ और अच्छी हो जाएंगी, सुगंध की सुगंध और देखने में भी। तो ये देखिए, तो चलिए मैं प्लेट लगा रही हूँ, और मुझसे पहले बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, अब सब ने खा लिया है तो मैं आराम से बैठ के खाऊँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा व्रत का खाना बन चुका है, आ जाइए, पहले मैं सबसे पहले माता रानी को भोग लगा दूं, फिर आप लोग भी खा लीजिए, और गरम गरम बहुत यम्मी लगते हैं ये, तो आप एक बार इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं माता रानी को पहले भोग लगा देती हूँ।